ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके पहले टाइम वर्क के मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिनमें कुछ के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए कह रहा है कि 9 मैन या 8 वोमेन काम को 12 दिन में करते हैं, तो 18 मैन और 5 वोमेन काम को कितने दिन में करेंगे, पहला सवाल दिया गया है। तो 9 मैन या 8 वोमेन काम को कर रहे हैं 12 दिन में, तो इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब 72 इफिशियंसी मिलेगा 8 और 9। करना अब किसको है, मतलब टोटल काम होगा 72 × 12। अब 18 मैन मतलब 18 × 8 और 5 महिलाएं यानी 5 × 9, तो 9 हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 2 और ये कटेगा 8 बार में, यानी कि 96/16 और 5 21, 3 से भाग देंगे तो 32/7 यानी कि 4.4/7 दिन। इस तरह के और भी सवाल दिए गए हैं। 12 मैन या 18 वोमेन काम को 14 दिन में कर रही हैं, तो 8 मैन और 12 वोमेन काम को कितने दिन में करेंगी। तो इस सवाल के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि 12 मैन या 18 वोमेन काम को कर रही हैं 14 दिन में, तो एलसीएम आएगा 36, ये क्षमता आ जाएगी 3 और 2, यानी कि टोटल वर्क जो होगा वो 36 × 14 होगा। आप गुणा करके रिजल्ट मत लिखिए कैलकुलेशन में, 8 पुरुष और 12 महिलाओं को करना है, यानी 8 पुरुष की क्षमता 3 है मतलब 24 और 12 महिलाओं, तो ये 24 ये भी आ जाएगा, तो 24 12 × 2 यानी 24, तो 24 और 24 ये आ जाएगा हमें 48, तो 12 से कटेगा ये 4 बार में, 12 से कटेगा 3, ये 2 से कटेगा ये 7, मतलब 21/2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 10.5 जो भी ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 मैन या 4 वोमेन काम को 57 दिन में करती हैं, तो 6 मैन 11 वोमेन काम को कितना दिन में करेंगी। यहां हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 12 मिलेगा, मतलब टोटल वर्क है 57 × 12। अब क्षमता जो आ जाएगी वो 4 और 3, मतलब पुरुष की क्षमता 4 महिला की क्षमता 3, तो 4 क्षमता है और 6 पुरुष काम करेंगे तो 6 × 4=24, 3 क्षमता है 11 महिलाएं हैं तो 11 × 3=33, और ये 12 है, ये जोड़ेंगे तो 57 आएगा, 57 57 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमें 12 दिन। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 20 आदमी 1/3 भाग काम 20 दिन में करते हैं, शेष काम 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब 20 आदमी 20 दिन में 1/3 काम करते हैं, तो 1/3 काम हो चुका है तो बचा काम कितना है, तो 2/3। व्यक्तियों की संख्या नहीं मालूम है और टोटल ये तो 25 दिन में करना है, 3 3 कटेगा मतलब 1/2, 400 में 25 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16, तो x का वैल्यू जो आएगा वो 32 मिलेगा, मतलब 32 लोगों को काम पर लगाना होगा। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि 20 के बाद और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, तो उस तरह के सवाल में से 32 में से 20 घटा देंगे तो वो सवाल भी इस तरह से ही सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 45 व्यक्ति 16 दिन में कोई काम कर सकते हैं, 6 दिन के बाद 30 और आ जाएं, तो 30 और आ जाए 6 दिन के बाद, मतलब 16 दिन का काम 6 दिन बीत चुका है, तो 45 लोगों के 10 दिन का काम बाकी है करना, 30 और आ जा रहे हैं, तो 45 लोग थे 30 और आ गए, तो 75 लोग कितने दिन में वही बचा हुआ काम करेंगे, तो ये 5 बार में 3 ये कटेगा, 2 बार में यानी डी आ जाएगा हमें 6 दिन। अगला सवाल दिया गया है, इसमें एक सवाल और हम लोग देखेंगे, 6 नंबर दिया है, जैसे 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था, 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ जा रहे हैं, तो जो भोजन था तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मतलब 3 दिन का बीत जाने का मतलब है कि 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का राशन था, 300 आ गए मतलब 800 लोगों के लिए कितने दिन भोजन चलेगा, मतलब 00 ये कटेगा 3, तो डी आ जाएगा हमें 15 दिन। एक सवाल और हम लोग देख सकते हैं, 95 लोगों के लिए 200 दिन का भोजन था, 5 दिन के बाद 30 चले गए,
चले गए मतलब कि संख्या घट जाएगी, तो अब भोजन कितना दिन चलेगा, मतलब 95 लोगों के लिए 195 दिन का भोजन बचा हुआ था, 30 चले गए मतलब कि 65 लोग कितना दिन खाएंगे, तो ये कटेगा 3 यानी कि डी आ जाएगा हमें 285 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए 2/3 भाग 18 दिन में करता है, तो ए जो है 2/3 भाग 18 दिन में करता है मतलब ए पूरा काम करेगा 27 दिन में, बी की क्षमता ए की दुगुनी है तो काम करने में कितना समय लगेगा, मतलब ए की क्षमता एक है बी की क्षमता दो है, तो क्षमता जब दुगुनी करते हैं तो समय आधा हो जाता है, तो आधा होगा मतलब 27/2 या 13.5 दिन लगेगा, या हम लोग ऐसा भी देख सकते थे कि 27 × 1 टोटल काम है, क्षमता 2 है तो कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 25 दिन में, दोनों ने तीन दिन काम किया यानी कि पहले तो एलसीएम लेंगे 100 और क्षमता निकालेंगे तो 5 और 4, 3 दिन काम किया तो 5 × 4 = 9 यानी कि 3 दिन में 27 काम होगा, तो कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ, तो 27% काम पूरा हुआ, कितना परसेंट बचा, तो 73% काम बचेगा। एक सवाल और हम लोग लिखें, ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन में, दोनों ने मिलकर के प्रारंभ किया और 6 दिन काम किया, इसके बाद बी के बदले सी आ जाता है और अगले 4 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम तो ये आ जाएगा हमें 60 भाग देंगे तो 3 और 4, तो 1 दिन में ए और बी मिलकर के 7 काम करेंगे, तो 6 दिन तक ए बी 7 काम किए तो 42 काम हुआ, यानी बाकी बचा हुआ काम जो है वो 18। अगले 4 दिन में बी के बदले सी आता है मतलब ए रह रहा है, तो अगले 18 काम 4 दिन में होना है, यानी कि 4.5 काम जो है वो ए और सी मिलकर के करेंगे, ए और सी की क्षमता 4.5 है, ए की क्षमता 3 दे रखी है, तो सी की जो क्षमता मिलेगी हमें 1.5 मिलेगी, तो 60 काम सी को 1.5 क्षमता के साथ करेगा तो कितना मिलेगा, 60/1.5 या 3/2 करेंगे तो हमें 40 दिन सी के लिए लगेगा। एक क्वेश्चन और, बी किसी काम को निश्चित समय में करता है, उसका 3/4 समय में ए आधा काम करता है, तो बी का इफिशियंसी फिक्स है, 3/4 समय में ए आधा काम करता है, तो किसी के लिए भी जब क्षमता चेक करना है तो हमें समय बराबर देना होगा, तो एक समय में ए कितना काम करेगा, तो 1/2 × 4/3 यानी कि 2/3, तो ए बी, बी एक क्षमता है और ए की क्षमता जो आ जाएगी 2/3, अनुपात करेंगे तो क्षमता जो है 2:3, दोनों मिलकर के ए और बी काम को 18 दिन में करेंगे, तो ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर के क्षमता है 5 यानी कि टोटल काम जो होगा वो 90 होगा, क्षमता 2 है ए की तो इसको करने में कितना समय लगेगा, तो 90/2 यानी कि ए 45 दिन में करेगा, और वही काम बी के लिए पूछा जाए तो क्या करेंगे, 90/3 यानी कि बी करेगा 30 दिन में। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, तो पहला सवाल दिया गया है कि ए की क्षमता बी और सी के क्षमता के बराबर है, ए बी 10 दिन में करते हैं, तो ए बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं, सी 50 दिन में करता है, और ये कंडीशन है कि ए जो है वो बी और सी के बराबर मिल के अकेले काम करता है, तो बी कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो एलसीएम आएगा 50, मतलब 5 क्षमता होगी ए बी मिला करके और सी की अकेले 1 होगी, तो ये 1 है मतलब ए माइनस बी 1 आ रहा है, ए बी की क्षमता 5 आ रहा है, तो यहाँ से ए बी की क्षमता 5 आ रहा है, ए और बी के क्षमता का अंतर 1 आ रहा है, मतलब बी 2 आ जाए और ए 3 आ जाए तो ये सेटिस्फाइड करेगा, बी 2 काम कर रहा है तो 50 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो भाग देंगे 25 में 2 से, 50 में 2 से तो 25 दिन आ जाएगा।
अगला सवाल दिया गया है, टाइम वर के क्वेश्चन को हम लोग नल टंकी में भी कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि ए 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में भरता है, सी कितने देर में खाली करेगा कि ए बी सी मिलकर के हम लोगों को 50 मिनट में भरेंगे। तो एलसीएम तीनों का ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमें 300। तो 5, 4 और ये 6, तो 5, 4, 9, लेकिन सी कितना काम बिगाड़ रहा है कि 6 तक ही काम हो, तो सी माइनस काम करेगा, मतलब टंकी से पानी बाहर निकल रहा है। तो 300 में माइनस 3 से भाग देंगे यानी कि 100 मिनट में सी टंकी को खाली करेगा, सी भरने वाला काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन भी दिया गया है कि ए काम को 36 मिनट में करता है, बी 45 मिनट में करता है, दिन दिया जाए तो दिन होगा, तो कितने देर के बाद ए को बंद कर दे कि टंकी 25 मिनट में भर जाए। इसका मतलब है कि ए को बंद करना है तो बी लास्ट तक काम करता रहेगा, तो ए काम को कर रहा है 36 में, बी 45 में, एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा यानी 5 और 4 क्षमता हो जाएगी। 25 मिनट तक बी काम करेगा यानी 100, बाकी बचा हुआ 80 काम ए के जिम्मे है, तो 5 क्षमता है यानी कि 16 मिनट तक ए काम करेगा। यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि कितना देर पहले ए काम बंद कर दिया है, तो ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4/5 भाग ए जो है 20 दिन में करता है, मतलब पूरा काम करेगा, तो ए काम को करेगा 25 दिन में, शेष काम बी की सहायता से 3 दिन में करता है, तो 4/5 काम हो चुका है, तो 1/5 काम 3 दिन में हो रहा है, मतलब ए और बी मिलकर के काम को 15 दिन में करेंगे, तो एलसीएम तो 75 आएगा। 3, 5 यानी कि बी की क्षमता आ जाएगी 2, बी की क्षमता 2 आ जाएगी, तो 75 काम करना है, 2 क्षमता है, तो समय कितना लगेगा, तो 37.5 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन और सोहन बारी बारी से काम कर रहे हैं, मोहन 10 दिन में करता है, सोहन 12 दिन में करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो मोहन कर रहा है 10 दिन में, सोहन कर रहा है 12 दिन में, एलसीएम आएगा 60 यानी कि क्षमता होगी 6 और 5। बारी बारी से करने का मतलब है कि एक दिन मोहन किया, एक दिन सोहन किया, तो 2 दिन में काम हो रहा है 11, तो 55 काम होने के लिए लगेगा 10 दिन। अब 5 काम बच रहा है और मोहन ने स्टार्ट किया है, तो मोहन काम करेगा यानी कि 10.5/6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। यही सोहन स्टार्ट करता तो सोहन को 11वां दिन टाइम दिया जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी 10 दिन में काम पूरा करते हैं, 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया और शेष काम बी सी अगले 10 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो 10 दिन में कर रहा है, 4 दिन के बाद, तो मतलब ए बी सी के 6 दिन का काम ए छोड़ दिया है, तो बी सी जो है वो 10 दिन में करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल सकते हैं, तो ए बी सी की क्षमता 10 आ जाएगी, बी सी की क्षमता 6 आ जाएगी। डिवाइड करना है तो 5 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन हम 10 ही रहने दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, 6 कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो ए की क्षमता जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। ए बी सी की क्षमता 10 है, 10 दिन में काम हो रहा है, मतलब टोटल काम जो होगा वो 100 होगा, ए की क्षमता 4 है, तो 100/4 यानी कि ए अकेले करेगा 25 दिन में। अगला सवाल दिया गया है ए बी से आधा है और सी जो है ए बी का आधा है, इसका मतलब है कि ए बी से आधा है तो ये एक काम करेगा तो बी दुगुना हो जाएगा ए से, सी जो है वो ए बी का आधा है, मतलब ये 3/2 हो जाएगा, मतलब 2:4:3 हम इसकी क्षमता हो जाएगी। सी 40 दिन में काम करता है तो ए बी सी कितने दिन में करता है, तो सी 40 का दिन में करता है, 3 क्षमता है, तो 40×3 यानी कि 120 टोटल काम होगा, तीनों मिलके करेंगे तो ये 9 काम कर रहे हैं यानी 13.1/3 दिन, भाग दे के देख सकते हैं। अब अलग अलग भी पूछा जाता है कि बी कितना दिन में करता है, ए कितना दिन में करता है, तो आप लोग टोटल वर्क में से आप क्षमता से डिवाइड करके भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी 529 रुपये का ठेका लेता है और
एसी को 19 बटा में 23 भाग मिलता है, तो जो जितना काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलेगा, यानी बी को मिलेगा 4 बटा में 23। टोटल अमाउंट है 529 रुपया, यानी कि 529 से हम लोग इसे गुणा करेंगे, 529 होगा, तो भाग देंगे 23, यानी कि बी का हिस्सा जो आएगा वो 92 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बी काम को 30 दिन में करते हैं, बी सी काम को 24 दिन में करते हैं और सी ए काम को 20 दिन में करते हैं। ए बी सी ने 10 दिन तक काम किया, फिर बी और सी काम छोड़ दे रहे हैं, तो ए शेष काम कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों से ये भी पूछा जाता है कि ए बी सी मिलकर के कितना दिन में करेंगे और ए कितना दिन में करेंगे, तो सबकी अलग अलग पहले हम क्षमता निकाल लें। तो यहाँ 120 आएगा, तो 4, 5 और ये 6, तो 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि ए बी सी की जो क्षमता आ जाएगी वो 7.5 आ जाएगी, 15 मतलब 2A, 2B, 2C आ जाएगा 15, तो ए बी सी की क्षमता आ जाएगी 7.5। अब यहाँ से ए की क्षमता चाहिए, तो बी सी की क्षमता 5 है, तो ए की क्षमता 2.5 आ जाएगी, ए की क्षमता 2.5 मिल जाएगी, तो हम लोग बी की और सी के लिए अलग अलग भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि ए बी सी 10 दिन तक काम किए, तो 7.5 क्षमता आई ए बी सी मिला करके, 10 दिन काम करेंगे तो 75 काम करेंगे, 120 काम है, 75 हो चुका है, तो बाकी बचा 45। अब बी सी छोड़ दे रहे हैं, मतलब ए करेगा, ए करेगा तो कितना करेगा, तो ए की क्षमता 2.5 है, मतलब 5/2 करेगा, तो ए को शेष काम करने में लगेगा 18 दिन। बाकी क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, मिलते हैं आगे, थैंक यू।